आदर्श शिक्षण संस्थान के इस ऑनलाइन कक्षा में सभी भैया बहनों का स्वागत अभिनंदन। आज कक्षा नौवीं का विषय संस्कृत के व्याकरण का भाग 10, इसका हम आज अध्ययन करेंगे। हमने पूर्व वाले वीडियो में हमने दीर्घ संधि के दो सूत्रों के बारे में चर्चा की। पहला अ आ प्लस अ या आ बराबर आ, इस सूत्र की चर्चा की, उसके उदाहरण लिखे। दूसरा हमने उदाहरण पढ़ा ई या ई प्लस ई या ई बराबर ई, दूसरा सूत्र, इसके बारे में हमने उदाहरण किया और हमने कुछ अध्ययन किया। आज हम तीसरा सूत्र पढ़ेंगे, वह है ऊ वाला। तो तीसरा सूत्र हमारा ये इस प्रकार रहेगा, वह इस प्रकार है। तीसरा ऊ या ऊ धन ऊ या ऊ बराबर ऊ, इस प्रकार के हम आज उदाहरण पढ़ेंगे। पहला हम इसमें भी लेंगे, पहला उदाहरण हम लेंगे ऊ प्लस ऊ बराबर ऊ, ऐसे उदाहरण हम लेंगे। तो हम दो दो उदाहरण लेंगे इस प्रकार के, जैसे पहला हम लेंगे भानुधन उदय बराबर भानुदय, क्या बनेगा? भानुधन उदय बराबर भानुदय। ऐसे ही गुरुधन उपदेश बराबर गुरुपदेश, कई बार ऐसा देखने में आते हैं कुछ भैया बहनों को रू के संबंध में कुछ संशय या कुछ आशंका रहती है कि रू और रू कैसे होते हैं। कई भैया कहते हैं रू ऐसा होता है, एक भैया जी ह्रस्व रू और दीर्घ रू ऐसा होता है, क्या वास्तव में सही है? ये वास्तव में गलत है। तो वास्तव में क्या होता है, दीर्घ और ह्रस्व रू में समझने के लिए ये एक अलग प्रकार से रहता है। रू के साथ ये बिना गांठ वाला ये ह्रस्व है और रू के साथ ये गांठ लगा कर लिखते हैं ये दीर्घ रू है, इसलिए हमने लिखा है रू गुरुधन उपदेश बराबर गुरुपदेश। ऐसे ही हम दूसरे प्रकार के उदाहरण लेंगे ऊ प्लस ऊ बराबर ऊ, ऐसे ह्रस्व और दीर्घ ऊ के उदाहरण हम इस प्रकार के लेंगे। तो देखिए पहले तो हम लिख सकते हैं लघुधन ऊर्मी, लघुधन ऊर्मी बराबर लघुर्मी, लघुधन ऊर्मी बराबर लघुर्मी। ऐसे हम ले सकते हैं सिंधुधन ऊर्मी, इसका प्रसिद्ध उदाहरण है सिंधुधन ऊर्मी बराबर सिंधुर्मी, सिंधुर्मी। ऐसे ही दो प्रकार के हमने लिए ऊ धन ऊ वाला, फिर ऊ धन ऊ बराबर ऊ, अब हम लेंगे ऊ धन ऊ बराबर ऊ, दीर्घ और ह्रस्व ऊ से मिलाने पर क्या बनता है, तो ये इस प्रकार के हम लेंगे। तो पहला देखिए वधू धन उपदेश, वधू धन उत्सव भी हो सकता है, उपदेश भी लिख सकते हैं, तो हम उत्सव लेते हैं वधुधन उत्सव बराबर वधुत्सव, वधुत्सव ऊ दीर्घ होगा। ऐसे ही सरयूधन उद्गम, सरयूधन उद्गम, उद्गम यानी निकलना, सरयू का बहना, तो क्या बनेगा
सर युद्ध कम, ऐसी हम उ और उ दीर्घ उ धन उ बराबर उ ऐसे हम लेंगे। तो ऐसे देखिए यहाँ लिखता हूँ या यहीं पर लिख देता हूँ, भू धन ऊर्जा, भू कहते जमीन को, जमीन की ऊर्जा, अर्थ की कोई आवश्यकता नहीं फिर भी बता रहा हूँ, तो क्या बनेगा भूर्जा, भूर्जा ऐसी सरयू धन ऊर्मी, सरयू धन ऊर्मी, ऊर्मी कहते हैं लहरों को, तरंगों को, सरयू नदी की तरंगे या लहरें, बराबर क्या बनेगा सरयूर्मी, सरयूर्मी। तो इस प्रकार ये तीसरा नियम जो था हमारा ऊ या ऊ प्लस ऊ या ऊ बराबर ऊ, यह तीसरा नियम था। अब हम चौथे नियम की ओर हम बात करते हैं, तो इस री वाले भी कुछ हम उदाहरण लिख लेते हैं इसमें। तो चौथा नियम हम इसकी चर्चा करेंगे, इसको साफ कर देता हूँ। चौथा होगा री या री प्लस री या री बराबर री, इसमें देखना यह है कि चौथे के अंदर कुछ ह्रस्व और दीर्घ री में क्या अंतर होता है ये भी हमें समझना पड़ेगा, बराबर बराबर तो लिखा हमने चौथा सूत्र री या री प्लस री या री बराबर री। संस्कृत में, हिंदी में तो एक ही री रहती है, संस्कृत में ह्रस्व और दीर्घ दो री का रहना चलती है साथ में इसमें। तो इस दोनों में क्या अंतर है, ह्रस्व री तो इस प्रकार रहता है, अब इसके अंदर दीर्घ बनाना है तो इस री के अंदर इस प्रकार का एक और जोड़ दिया गया है, तो ये दीर्घ री का रूप हो गया। इसलिए ह्रस्व और दीर्घ संस्कृत में दोनों रूप चलते हैं, हिंदी में केवल एक ही चलता है। तो देखिए इस प्रकार के उदाहरण हम लिखेंगे, तो पितृधन, पितृधन ऋणम, पितृधन ऋणम बराबर बनेगा पितृणम, पितृणम यानी पिता का ऋण, ऐसी मातृधन ऋणम, मातृधन ऋणम बराबर मातृणम, मातृणम ऐसे ही होत्रिधन ऋकार, होत्रि कहते हवन करने वाला, तो होत्रि हवन करने वाला धन ऋकार, होत्रिधन ऋकार बराबर होत्रिकार, होत्रिकार ऐसे ही। आप और भी उदाहरण हम लिख सकते हैं, भातृधन ऋकार पितृधन ऋचा, ऐसे पितृधन ऋचा पितृधन ऋचा बराबर पितृचा, पितृचा ऐसे ही पितृधन ऋषि, पितृधन ऋषि बराबर पितृषि, पितृषि
तो इस प्रकार मातृधन भी ऋषि हम लिख सकते हैं, ऐसे ही मातृधन ऋणम भी हो सकता है, पितृम क्रीधन ऋकार भी लिख सकते हैं हम, क्रीधन ऋकार कार्य करने वाला, क्रीधन ऋकार बराबर क्रीकार, क्रीकार ऐसे ही हम लिख सकते हैं भ्रातृधन ऋकार, भ्रातृधन ऋकार बराबर हम लिखेंगे भ्रातृकार, भ्रातृकार। इस प्रकार हम अनेक सारे उदाहरण लिख सकते हैं और हम दो नहीं अनेकों उदाहरण भी हम लिख सकते हैं। पहले वाले में हमने दो दो शब्द के उदाहरण देने का प्रयास किया, हम अपने उत्तर पुस्तिका में और भी उदाहरण लिख करके हम इस संधि को अच्छी तरह से, दीर्घ संधि को हम समझ सकते हैं। आज के इस कालांश में इतना ही समझेंगे। धन्यवाद। नमस्कार।